एवं धरना प्रदर्शन पर बैठे और ख़त्म किए हुए दोस्तों 11 दिन लगातार नए वाले वार्ड सदस्यों का जो कि चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, पटना के गर्दनीबाद में वार्ड सदस्यों के धरना प्रदर्शन के बाद, जी हाँ दोस्तों, पुराने वाले वार्ड सचिव भी अब धीरे धीरे पटना के गर्दनीबाग में जाने लगे हैं दोस्तों। अब वे सोच रहे हैं दोस्तों कि जनरक्षक का बाल या 56,000 का वो हम लोग को दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी अनुभव है और हम लोग को जिम्मेवारी भी है। वार्ड सचिवों ने 4 सालों तक काम किया लेकिन उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पटना में जुटे 38 जिलों के वार्ड सचिव दिन भर और दिन रात करके जा रहे हैं करके दोस्तों पटना में, और एकाएक गर्दनीबाग में एकदम बहुत ही बवाल मचने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिव तो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन नए वाले वार्ड सचिव चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि हम लोग को मैट्रिक स्तर पर बहाली तो हुआ है, लेकिन क्या हम लोग का 60 साल की नौकरी है? क्या हम लोग को संविदा अधिकारी बनाया गया है? क्या हम लोग को पेमेंट मिलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों कि आप 5 वर्षों के लिए हैं या 2 वर्षों के लिए हैं या हैं दोस्तों 60 वर्षों के लिए। दोस्तों नए वाले वार्ड सचिव भी चिंता में डूबे हो दोस्तों कि हम लोग का 60 साल का नौकरी नहीं होगा तो हम लोग गुजर बसर कैसे, क्योंकि हम लोग का भी बहाली मैट्रिक स्तर पर हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इधर नीतीश कुमार दावा कर चुके हैं कि पुराने वाले वार्ड सचिवों को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन पुराने वाले वार्ड सचिव नहीं मान रहे हैं, अभी भी आसरा लगाए हुए हैं कि हम लोग को जो है सरकार ज़रूर हक देगी। और मैं आपको बता दूं, इस पटना के गर्दनीबाद में तो वार्ड सचिव भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान में और भी बवाल मच गया है। मतलब तो नीतीश कुमार शराब बंद कर चुकी है, ताड़ी भी बंद कर चुकी है, इसीलिए ताड़ी जो बेचने वाले लोग हैं, जो ताड़कुन लगाते हैं, वे लगभग में 85 लोग 1 लाख से ज़्यादा गांधी मैदान में भीड़ लगाए हुए हैं। अब वहाँ भी बवाल मच चुका है, तार बिहार में तो बहुत ही बवाल मचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों कि आखिर में पंचायत न्यूज में क्या क्या होता है, क्योंकि पुराने वाले वार्ड सचिव भी जा रहे हैं अपनी आसरा को लेकर। पुराने वाले वार्ड सचिव यही सोच रहे हैं कि जो वार्ड सदस्य लगातार 11 दिन धरना दिए, धरना प्रदर्शन के बाद उन्हें नल जल योजना, नली गली योजना आदि का कार्यक्रम अर्थात 9 सूत्रीय मांग को पूरा कर लिया गया, उसी प्रकार से वार्ड सचिव भी चाहते हैं कि उनका 3 सूत्रीय मांग पूरा हो जाए। यही सरकार है जो 2021 में पुराने वाले वार्ड सचिवों को वहां से खदेड़ करके भगा दिया गया था, यानी पटना के गर्दनीबाग। पुराने वाले वार्ड सचिव क्या जितना 2021 में थे क्या इतना जाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल में कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग पटना के गर्दनीबाग में आ चुके हैं, सर वीडियो बनाइए और बताइए सबको कि हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो चलिए, एक खबर अच्छी है और कहां तक सही है तो आने वाला समय बताएगा। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुँचे और जो 4 साल का बकाया राशि है वह आपको मिल पाए और आप अच्छे से अपने हकों को पूरा कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप पंचायत खबर देखते रहिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।